बहुत दिन हो गए कुछ चटपटा सा नाश्ता मैंने शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ चटपटा सा और बहुत मज़ेदार और इजी सा कुछ नाश्ता शेयर किया जाए, तो मैंने ये बनाने का सोचा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें पड़ेगी कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत। सबसे पहले पनीर ले लिया है, इनको मैंने इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया। साथ में ये हैं कुरकुरे और साथ में ये है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच के करीब। ये जो कुरकुरे हैं ना, इनको मैंने हाथ से हल्का सा फोल्ड लिया है ताकि अच्छे से एकदम ना इनका चूरा जैसा बन जाए, कुछ मोटे मोटे इनमें वो रह जाएँ पीसेस। तो बस इस तरीके से ही हमें ले लेना है। साथ में अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं या फिर चिप्स को भी आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं थोड़ा बारीक करके। तो ये पनीर के पीसेस मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं, आप चाहें तो इन्हें छोटे छोटे पीस में भी कर सकते हैं। मैंने इनको लंबे लंबे स्टिक जैसे कट किया है। और अब इन पर जाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने इन पर डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, साथ में हल्का सा ही मैं इस पर डाल दूँगी नमक, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि थोड़ा सा ना हमें कॉर्नफ्लोर में भी डालना है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर यूज़ की है, टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको किसी सॉस का फ्लेवर पसंद है तो इसके ऊपर कोई सॉस डाल सकते हैं। और इसके बाद ना अच्छे से सारी चीज़ों को इसके ऊपर लगा देना है, अच्छे से कोट हो जाएँ ये मिर्ची और नमक इसके ऊपर। पनीर हमने साइड में रख दिया है, ये ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी डालकर हम इसे चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी नमक। साथ में हमने रख दिया है ये ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसे पनीर को हम कॉर्नफ्लोर के अंदर डिप करेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से गीला हो जाए। और इसके बाद फिर ये जो हमने कुरकुरे का जो ये हमने मिक्सचर जो तैयार किया है, इसके ऊपर अच्छे से इसे रख देंगे ताकि ये जो है इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। इस तरीके से ही हम सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लेंगे। सबको अच्छे से हम मैंने कोट कर दिया है, और इसके बाद अब डालेंगे इन्हें ऑयल में, और बहुत फटाफट से ये बन जाते हैं। अलट पलट कर इन्हें अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक। बीच बीच में इन्हें अलट पलट कर देंगे अच्छे से, लेकिन हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि टूटने का डर रहता है, ये बहुत आराम से ना टूट भी जाते हैं, इसलिए हल्के हल्के हाथों से इन्हें कर देना। और ये बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। चलिए चलते हैं इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। तो इधर हमारा ये टेस्टी सा पनीर का नाश्ता बनकर तैयार है। बहुत फटाफट से बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है, क्योंकि इसमें कुरकुरे का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए, रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।